हेलो गाइस, मैं अंकुर आप सभी का एक और नई वीडियो में स्वागत करता हूं। इस वीडियो में गाइस आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं दो आईपीएस के बारे में। एक तो ब्लू जेट जिसका है आज लास्ट डे, दूसरा है गाइस ऑनडोर कॉन्सेप्ट्स। तो क्या हम इन दोनों आईपीओ में अप्लाई करें या ना करें, सेफ है और नहीं है, ये इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे। एंड ये वीडियो आपके लिए फाइनल डिसीजन रहने वाला है ताकि आप अपना एक सेफ डिसीजन बना पाओ और सेफ्टी से इस आईपीओ में अप्लाई कर पाओ। तो लेटेस्ट ग्रे मार्केट प्रीमियम सब्सक्रिप्शन लेटेस्ट डिटेल के साथ सारी डिटेल्स बताने वाला हूँ। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा ताकि आपको सारी चीज़ें समझ में आ सके और आप अपना डिसीजन आसानी से बना पाओ। एंड गाइस एक चीज़ बता दूं, मैं बीच वीडियो में कहीं ट्रैवल कर रहा था, रिकॉर्ड कर रहा हूँ एक फ्लायर के नीचे बैठ के, तो थोड़ी बहुत अगर जो नॉइस पीछे से आ रही हो तो प्लीज़ उस चीज़ को आप अवॉइड करना, क्योंकि ये मैं एडिटिंग में भी कम नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, जो मेरे से कम होगा वो मैं कम कर दूंगा, तो अगर जो थोड़ी बहुत नॉइस आए तो प्लीज़ इस चीज़ को अवॉइड करना। तो चलिए डिटेल अपनी स्टार्ट करते हैं, पहले ऑनडोर कॉन्सेप्ट से। यहाँ पे गाइस आपको मैंने इसका डिटेल रिव्यू दे दिया था, आई होप आपने देख लिया होगा। आईपीओ का जो साइज़ है वो एक बार आप देख लो, करीब 31.18 करोड़ का है। आईपीओ का प्राइस बैंड 208 रुपये का है, एसएमई कैटेगरी का आईपीओ है और प्राइस बैंड यहाँ क्लियरली महंगा इसका रखा गया है ऑनडोर का। ठीक है, बिजनेस बहुत बढ़िया है, कोई भी दिक्कत नहीं है। अगर जो यहाँ पे हम बात करें इसके करंट सब्सक्रिप्शन की, तो हमने न्यूज़ चैनल पर शेयर कर दिया था, न्यूज़ चैनल को देखो, फॉलो कर लो आप। यहाँ पे आपको ग्रे मार्केट प्रीमियम सब्सक्रिप्शन डिटेल, मार्केट की इंपॉर्टेंट न्यूज़, सारा कुछ देखने को मिल जाता है। डिस्क्रिप्शन में नंबर 2 पे आपको लिंक मिल जाएगा इस न्यूज चैनल का। ठीक है, पूरे दिन हर एक रिफाइन न्यूज मिल जाएगी मार्केट में सबसे पहले आपको। तो टोटल यहाँ पे ऑनडोर का जो सब्सक्रिप्शन हुआ है 4.31 टाइम हुआ है, रिटेलर्स ने 6.48 टाइम किया है, एनआईज ने 2.14 टाइम किया है और ये जो डेटा है 1:14 का है। ठीक है, तो यहाँ पे 31 करोड़ का आईपीओ जो सब्सक्राइब नहीं हुआ हो रहा है तो कहीं ना कहीं लोग इंटरेस्टेड नहीं है। और मैंने आपको बताया था डिटेल वाली वीडियो में कि कुछ ना कुछ कमियां हैं इस आईपीओ में, जो कमियां हैं वो मैंने आपके साथ साझा कर दी थी। ठीक है, अगर जो आपको नहीं पता है तो डिटेल रिव्यू वाली वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, जाके देखना, उसमें सब कुछ समझ में आ जाने वाला है। तो फिलहाल इस आईपीओ को तो देखो अवॉइड करो, कोई भी फायदा नहीं है। हो सकता है ये 10-15% तक का लिस्टिंग इन दे जाए, ठीक है, हो सकता है, डिपेंड्स ऑन सिचुएशन, लेकिन रिस्क भी इसमें उतना ही रहने वाला है। और एसएमई कैटेगरी में रिस्क ज़्यादा बड़ा इसलिए हो जाता है क्योंकि इसमें अगर जो लिस्टिंग गेन नहीं मिला, ठीक है, तो बायर्स नहीं दिखते हैं और फिर वो सेल करने लग जाते हैं, उसके बाद इसमें लग जाता है लोअर सर्किट और आप फिर सेल नहीं कर सकते। 5% का भी लगता रहा 2-4-5 दिन तो आपका 20-25% तो ऐसे ही पैसा मर गया। ऊपर से आपको सीधे सीधे इसमें 1 लाख से ज़्यादा लगाना होता है, तो ये एक बात है जो आपको इसमें फंसा सकती है। तो मेरे हिसाब से तो भाई आप रिस्क एकदम नहीं लेना चाहते हो, सेफ पर्सन है तो अवॉइड करो। मतलब मैं जैसे सेफ्टी हमेशा ढूंढता हूँ, पहली प्रायोरिटी मेरी सेफ्टी, मेरा कैपिटल सेविंग होता है, तो मैं तो ऑनडोर को अवॉइड कर रहा हूँ क्लियरली। अगर जो आप में से कोई रिस्क ले सकता है कि हाँ भाई चलो 10-20% नीचे देख लूंगा, तो आप जा सकते हो। ठीक है, लॉन्ग टर्म के मैनर में आईपीओ ठीक है, बट यहाँ पे वही 1-2-3 साल वाला प्लान बनाओ आप तो ठीक है, अदरवाइज नहीं। लिस्टिंग के लिए रिस्क रहने ही वाला है। सब्सक्रिप्शन फिगर की बात करूँ, अगर जो आराम से 60-70 गुना तो होना ही चाहिए, इतना हो जाता है तो थोड़ी सेफ्टी आ जाएगी और लिस्टिंग के लिए जा सकते हो, अदरवाइज इग्नोर करने लायक आईपीओ है। ग्रे मार्केट टर्म की बात करूँ गाइस, तो यहीं पे देख लो मैंने बता दिया है 10-12% ग्रे मार्केट टर्म निकलता हुआ दिख रहा है ऑनडोर कॉन्सेप्ट्स का। अब आप क्या करने वाले हो बताना जरूर, और ऑनडोर में आपने अप्लाई कर दिया है या करने का प्लान कर रहे थे ये भी बताना। अब इसके बाद गाइस बात कर लेते हैं हम ब्लू जेट की, बट उसके पहले आपको बता दूं कि टेलीग्राम पे नहीं जुड़े हो तो जुड़ जाओ, न्यूज़ चैनल का मैंने बताया, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन नंबर 1 पे है। यहाँ पे आपको डेली कॉल देखने को मिल जाती है, कल के दिन का स्क्रीनशॉट है देख लो, बड़े ही आराम से 450-60 से लेके 650 200 पॉइंट का गेन। ठीक है, यहाँ पे देख लो करीब 500 पॉइंट का जैकपॉट गेन। यहाँ देख लो इंट्राडे कॉल, इवन आज के दिन जब आप वीडियो देख रहे हो इसको, तो आज के दिन 50-60 पॉइंट का गेन मैंने बुक करवा दिया सुबह सुबह, उसके बाद मैं निकला हूँ घर से। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट काम था, सुबह सुबह मैंने दे दिया, इंट्राडे कॉल दे दिए और बैंक निफ्टी में एक गेन बुक करवा दिया। तो आपको डेली निफ्टी, बैंक निफ्टी, स्टॉक ऑप्शन, इंट्राडे, स्विंग कॉल और बहुत सारी चीज़ें देखने को मिल जाती है, तो फटाफट ज्वाइन कर लो। डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक नंबर 1 पे, नंबर 2 पे न्यूज़ चैनल का, नंबर 3 पे इंस्टाग्राम का है, आपके काफ़ी काम का है सीखने के लिए, ऐसे चार्ट, ऑडियो सपोर्ट, प्रॉपर लर्निंग के लिए आपको टारगेट स्टॉप के साथ कॉल मिल जाती है। ठीक है, तो ज्वाइन कर लो, आपको काफ़ी सारा बेनिफिट मिलने वाला है। तो वैसे आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं ब्लू जेट हेल्थ केयर की। डेट्स आपको पता है, आज क्लोज हो जाने वाला है, 1 नवंबर को इसकी अलॉटमेंट डेट, 6 को इसकी लिस्टिंग डेट, स्टैंडर्ड फेस वैल्यू पे ना कि 2 की फेस वैल्यू पे 346 प्राइस बैंड आया है। आपने डिटेल रिव्यू देखा होगा तो मैंने बताया था कि यहाँ पे प्राइस बैंड महंगा रखा गया है, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। और जो साइज़ है वो 840 करोड़ का है, पूरा पूरा OFS है, यानी कि कंपनी अपने लिए, अपने काम के लिए, एक्सपेंशन के लिए पैसा नहीं उठा रही है, कंपनी उठा रही है सिर्फ और सिर्फ प्रमोटर्स या फिर जो इन्वेस्टर्स हैं उनकी
के फायदे के लिए पैसा, मतलब कि अपने लिए वो लोग पैसा निकाल रहे हैं, कंपनी में एक भी रुपया नहीं लगेगा कि चलो भैया ग्रोथ के लिए लगा देते हैं, अगर जो बोरिंग है तो वो चुका देते हैं, कोई नया प्लांट बिठा लेते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। प्रमोटर्स और जो इन्वेस्टर होते हैं वो जब पैसा निकालते हैं तो हम उसको OFS बोलते हैं, ऑफर फॉर सेल। तो ये सारा का सारा है, तो इसको हम नेगेटिव पार्ट में काउंट करते हैं, ठीक है। यहाँ पे 35 दिन कोटा रिटर्न रखा गया और लिंक्ड नेम इसका रजिस्ट्रार है। करंट में से सब्सक्रिप्शन की बात करूँ गाइस, तो यहाँ पे QIBs ने 3.22 टाइम कर दिया है, 6.17 टाइम NIIs ने, 4.80 टाइम NI कैटेगरी में 2 से 10 लाख ने, कलेक्टिवली 5.71 और रिटेलर्स ने 1.73 टाइम कर दिया है। टोटल 3.01 टाइम हुआ है, 1:15 का डेटा ये मेरे पास, ठीक है। इस चीज़ का आपको ध्यान देना है। अब यहाँ पे आपको मैंने बिजनेस फाइनेंशियल सारा कुछ कल भी एक वीडियो में बताया था, इसके पहले डिटेल रिव्यू में बताया है, तो उस बारे में बात करने का फायदा है नहीं, एक बार आप कल वाली वीडियो देख लेना, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, ठीक है। उस वीडियो मैंने आपके साथ साझा किया था कि करंट सिनेरियो में जो सारा कुछ देखने को मिल रहा है उसके हिसाब से यहाँ पे इस बिजनेस के हिसाब से सारा चीज़ें देखें तो लॉन्ग टर्म में तो ठीक है, अगर जब लॉन्ग टर्म में जाना चाहते हो तो ठीक है, बट लिस्टिंग गेन के लिए थोड़ा रिस्की है, ठीक है, और वही रिस्क आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। रिस्की इसलिए है क्योंकि मार्केट की करंट कंडीशन सही नहीं है, आप देख रहे हो रेगुलर फॉल होता हुआ दिख रहा है। अभी रिसेंटली IRM एनर्जी की लिस्टिंग देख रहे हो कितनी बुरी हुई है, मतलब 5% लिस्टिंग हुई है फिर 10% तक गिर गया, तो छोटे इन्वेस्टर के लिए 10% का नुकसान भी भाई बुरा ही होता है, ठीक है। आप में से कई सारे लोगों को नहीं फर्क पड़ेगा, बट जैसे मैं हूँ, बहुत सारे मेरे जैसे और रिटेलर्स होंगे, 1500 का नुकसान हो गया, अगर जो 15000 का IPO हम लगाया था 10%, तो हमारे लिए बहुत बड़ी बात है, तो उसको हम बुरी लिस्टिंग बोलते हैं। तो ऐसा रिस्क कहीं ना कहीं इस IPO में भी हमें बनता हुआ दिख रहा है, ठीक है। ब्लू जेट में ओवरऑल सिनेरियो इतना बेहतर तो नहीं है कि सेफली में इन्वेस्ट कर दें और बस पैसा बन जाएगा, ऐसा नहीं है। तो अगर जो आप लगा रहे हो इस IPO में और आप चाहते हो कि मैं सेफ रहूं, तो भाई मेरे हिसाब से एक आध लॉट लगाओ, अदरवाइज अवॉइड कर दो। हो सकता है 5-10% गेन इसमें मिल जाए, छोटा लिस्टिंग मिल जाए, 10-15% तक का या 5-10% तक का लिस्टिंग मिल सकता है, मार्केट का सिनेरियो का जो अच्छा रहा सब कुछ रहा, पर उतने का रिस्क भी नीचे रहना पड़ेगा, एकदम सेफ नहीं है कि हाँ भाई लगा दिया काम खत्म। और अगर जब आपको सेफ्टी चाहिए तो इस IPO के साइज के हिसाब से कम भाई 30 टाइम तो सब्सक्राइब होना चाहिए। अब कई बार क्या होता है ना, 2:30 के बाद 2:30 के बाद QIBs आते हैं यहाँ पे, ठीक है, तो QIBs इसमें इंटरेस्टेड दिखें तो अच्छा खासा सब्सक्रिप्शन कर देते हैं, सब्सक्रिप्शन होता है तो फिर लास्ट के मोमेंट में लोग बाइंग की भी कोशिश करते हैं लिस्टिंग वाले दिन भी, ठीक है। और यहाँ पे हमें सब्सक्रिप्शन आता अगर जो दिखेगा तो हम इसी तरीके से पॉजिटिव ले सकते हैं। तो यहाँ पे सब्सक्रिप्शन आता दिखेगा मतलब QIBs में NIIs के 10 लाख से ऊपर कैटेगरी में डालते हैं लोग, तो टोटल सब्सक्रिप्शन अगर जो 30 टाइम प्लस हो जाता है, सिंपल सी बात आप समझो, इन सब चीज़ों में अगर जो आपको नहीं पढ़ना है नहीं समझना है तो 30+ टाइम हो जाता है तो आपको थोड़ी सेफ्टी मिल जाएगी, तो 2-3-4% का ही रिस्क रहेगा नीचे, अदरवाइज छोटे लिस्टिंग लिए जा सकते हैं, अदरवाइज भाई इग्नोर करना ही बेहतर ऑप्शन होने वाला है इस IPO में। और अगर जो करंट में ग्रे मार्केट की बात करूँ तो मैंने न्यूज़ चैनल पर शेयर कर दिया था, देख लो, आप ज्वाइन नहीं किए हो ज्वाइन कर लो, यहाँ पे सारी चीज़ें मिल जाती हैं 18 से 20 रुपए, इसके हिसाब से देखा जाए तो करीब 5-6% गेन अप्रॉक्सिमेटली होता है। तो ग्रे मार्केट में भी डाउन है और बायर्स लगभग ना के बराबर ही है, बहुत कम बाइंग चल रही है, तो इस हिसाब को ध्यान देना है। तो यहाँ पे आप क्या डिसीजन बताना जरूर, और अगर जो थोड़ी नॉइस की प्रॉब्लम हो या डिटेलिंग की प्रॉब्लम हो, सॉरी फॉर दैट, क्योंकि हाईवे पे बैठ के वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मतलब एक फ्लायर के नीचे, ठीक है। तो आई होप आप इस चीज़ को माइंड नहीं करोगे और थोड़ा सा सपोर्ट आपकी तरफ से बनता है, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, मिलते हैं अगली वीडियो में, करते रहेंगे, थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, प्लीज टेल दिस टू वैली एंड बाय बाय फॉर नाउ।